छठवें दिन आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका घंटा घर से पैदल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शासकीयकरण सहित आठ सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आंदोलन के छठवें दिन काफी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ओपन थिएटर से रैली निकालकर शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सरकार की योजनाओं को हम तक पहुँचाते हैं, हमारे बच्चों को टीके लगाते हैं और समय समय पर हमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाते हैं। इनको नाम मात्र की सैलरी या तनख्वाह मिलती है। इनकी मांगों को सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन आठ छठे दिन से आठ सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घंटा घर से पैदल रैली निकालने को मजबूर है, क्योंकि पिछले छह दिन से इनकी कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। मैं श्रीमती अंजनी पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त महामंत्री। हमारी आठ मांगे हैं। सबसे पहले तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है, जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 और सहायिकाओं को न्यूनतम 9,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाए। इसके अलावा मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का जो वो बना है वो सिस्टम खत्म किया जाए, प्रेस आंगनवाड़ी में उसको बदला जाए। और इसी तरह अभी वर्तमान में जो सरकार है वो हमसे पिछले अपने जब सत्ता में नहीं थी, जब सत्ता में आने वाली थी तब हमसे वादा किया था कि जब भी मैं शासन पे आऊंगा तो मैं नियमितीकरण करूंगा और कलेक्टर दर पे मान दे दूंगा, जिस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। शासन को 4 वर्ष पूरा होने वाला है लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं पे कोई नजर नहीं गया शासन का, और हम शासन को याद दिलाना चाहते हैं उनके वादे, और इसीलिए हम आज मजबूर हो गए हैं आंदोलन करने के लिए। आंदोलन में अभी हमारी 4,000 बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सभी आक्रोशित हैं क्योंकि वादे करके उनको निभाया जाता है, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये आंदोलन जो है अभी जिला स्तर पे चल रहा था, जो कि अभी हमारी जो बातें हैं वो शासन तक नहीं सुनी गई, तो हम मजबूर हो जाएंगे प्रदेश स्तर पर अपना आंदोलन जो है शिफ्ट करने के लिए। इनसे भी ले लीजिए, अनिश्चितकालीन आंदोलन है ना। मैं श्रीमती सुलेखा राय, तुलसीनगर सेक्टर शहरी कोरबा से हूँ। किस तरह की समस्या लेके आज करें? हम लोग भैया बहुत सारी समस्या है। हम लोग को देखिए, 14 साल के किशोरी बालिका से लेकर एक गर्भ में बच्चा होकर 6 साल स्कूल भेजते तक हम उसका सारा पोषण, सुपोषण, कुपोषण सारी चीज का हम ध्यान रखते हैं। हम अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार का कुपोषण सुपोषण को ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसके बावजूद भी आज हम लोग का शोषण किया जा रहा है। कार्यकर्ता सहाय का आयो दिन वेतन तो बढ़ ही नहीं रहा है, कम हो काम ज्यादा होते जा रहा है लेकिन काम कम नहीं हो रहा है। हर विभाग के लोग हमसे काम लेते हैं लेकिन हमारा मानदेय पर, हमारा परिस्थिति पर कोई ध्यान देते नहीं है। किशोरी बालिका 14 साल के लड़की जब होती है तब से लेके हम लोग 6 साल के बच्चा तक का हम लोग उसका सारा चीज का देखभाल करते हैं। वोटर आईडी से लेके बीओलो का काम से लेके सारी विभाग के काम हम लोग करते हैं। हम लोग का मानदेय इस समय बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगा तो इस तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार तो बहुत झूठी है, हम लोग से वोट ले लिए हैं, सरकार बन गए हैं, वो झूठी बने, उनको इस समय हम लोग उनको कुपोषित बना के छोड़ेंगे, अपना मानदेय हक लेके ही रहेंगे। हमें भी असर दिखेगा, इस बार दिखेगा ही दिखेगा, दिखा के ही छोड़ेंगे हम उनको, इस बार इस समय उनको कुपोषित करके ही छोड़ेंगे। जो संघ द्वारा है, इनके द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुलतवी प्रेषित करेंगे। हो गया, चलो चलो।